नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्रीकल्चर कोचिंग MP में। मैं आज पढ़ाऊंगा आपको सोयाबीन की खेती जो कि आपको PAT, CPAT, BHU, ICAR आदि एग्जामों में काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें पहला जो है सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान, तो सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान है वो है पूर्वी एशिया या चीन। सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान है उसे पूर्वी एशिया या चीन मानते हैं। सोयाबीन में गुणसूत्र 40 पाए जाते हैं। विश्व में उत्पादन में प्रथम USA है तथा द्वितीय जो है वो है चीन है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसे सोयाबीन राज्य भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को सोयाबीन भी राज्य कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सोयाबीन में तेल 20-22% एवं प्रोटीन 40-42% पाया जाता है, इसलिए यह दलहन व तिलहन दोनों ही श्रेणियों में आता है, मतलब दोनों ही फसल कहते हैं इसे दलहन व तिलहन। सोयाबीन में जो तेल निकलता है उसे निकालने के बाद DOC बचता है। DOC का पूरा नाम होता है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, डी ऑयल्ड केक DOC। तो हमारे यहाँ भारत में जो DOC है, DOC का उपयोग खाद्य पदार्थों से में होता है, इसलिए भारत इसका उपयोग यूरोपियन देशों को बेचने के लिए करता है क्योंकि यूरोपियन देशों में तेल का निर्माण होता है, इसलिए DOC को भारत जो है वो विक्रय करता है। तो नोट कर लीजिए आप ये सब। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए सोयाबीन को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। भूमि में जो है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो क्या है, अगली फसल को अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए होता है, इसलिए सोयाबीन को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। सोयाबीन की एक जाति अहिल्या 4 के अंदर फली चटकने की समस्या नहीं होती है। बसंत कालीन सोयाबीन की बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च तक करते हैं। जो बसंत कालीन सोयाबीन की बुआई होती है वो 15 फरवरी से 15 मार्च तक होती है। सोयाबीन में सिंचाई की संख्या 2-3 बार होती है। फसल की अवधि 90-110 दिन में पक जाती है यह फसल। सोयाबीन का जो मिट्टी का प्रकार है वह दोमट है। दोमट मृदा में सोयाबीन अच्छा उत्पादन करती है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहते हैं और सोयाबीन पोअर मेंस मीट भी कहते हैं। पोअर मेंस मीट का अर्थ है गरीबों का मांस। सोयाबीन के बीजों का कारण काला रंग एंथोसाइनिन से होता है। सोयाबीन के बीज कुछ जो काले पड़ जाते हैं वह एंथोसाइनिन के कारण होते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। तो आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे सोयाबीन की किस्में। सोयाबीन की किस्मों में पहली है JS-335। इसमें जो JS है इसका पूरा नाम है जवाहर सोना। इसके बाद आती है गौरव PK ब्रेक क्लार्क 63 होर्डली अंकुर पंजाब फर्स्ट शिलाजीत दुर्गा पंत सोया 1024 अलंकार आदि। इसके बाद आती हैं कुछ विशेष किस्में। विशेष किस्मों में है
शिलाजीत जो है यह पीला मोजेक रोग के लिए प्रतिरोधी है, और जो पीला मोजेक रोग है वह सफेद मक्खी के कारण होता है। काली तूर यह काले दाने वाली विशेष किस्म है, और एक और है जो है समर किंग, यह ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयोगी है। तो नोट कर लीजिए ये भी आप। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।